हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिवाइज करने वाले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। ये रिवीजन का सबसे पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले फिजिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहले फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ एन आइस है that is converted into water. The composition of ice and water both are same, and hence we can say that no new substance is formed. Such change is called as physical change. उसके बाद chemical change क्या होता है? Chemical change is a change in which new substance is formed. For example, rusting of iron. Iron है that is converted into rust, that is Fe is converted into Fe2O3.NH2O. It means new substance is formed and such change is called as chemical change. When we can say that a chemical reaction has taken place? Agar chemical change hoga, iska matlab chemical reaction hui hai. Whenever there is a chemical change, we can say that a chemical reaction has taken place. अगर chemical change होगा, इसका मतलब chemical reaction हुई है। अभी ये जो portion है, ये हम textbook में देख लेते हैं। और इस portion पे क्या question आ सकते हैं, क्या question frame हो सकते हैं, वो हम देखेंगे। अभी हम textbook को revise कर रहे हैं, इसलिए सभी लोग सबसे पहले textbook निकाल लें और उसके बाद में video को continue करें। टेक्स्टबुक में का हमें पेज नंबर 1 निकालना है। पेज नंबर 1 पे देखो, हमें कुछ सिचुएशंस दी हुए ऑफ डेली लाइफ। इन सभी सिचुएशंस में क्या हो रहा है देखो, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे हमने देखा फूड इज कुक्ड, तो जो फूड था विच इज नॉट कुक इज चेंज इन टू अनदर फूड विच इज कुक्ड। This is another substance and this one is another substance. It means one substance is converted into another substance. It means it is a chemical change. In all the above situations, क्या हो रहा है? नया substance तैयार हो रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि ये सभी जो examples है, ये सभी situations किस चीज को इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है केमिकल चेंज को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेनेवर अ केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अगर केमिकल चेंज होगा, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। अभी हम देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। क्या आप उस पे का डिफरेंस लिख सकते हैं? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, वेयर एज केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। यानी ये डिफरेंस हम इसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो हमें उसकी डिफिनेशन लिखनी है। व्हाट इज केमिकल चेंज, उसमें भी हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज केमिकल चेंज, इसमें का केमिकल चेंज कौन सा है? रस्टिंग ऑफ आयरन और मेल्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में Fe इज कन्वर्टेड इनटू Fe2O3.NH2O एंड वेयर एज जब मेल्टिंग ऑफ आयरन होगा तो जो आयरन है विच इज इन सॉलिड स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू आयरन विच इज इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब सिर्फ स्टेट चेंज हुए। यहाँ पे भी Fe है और यहाँ पे भी Fe है, यानी आयरन ही है। इसका मतलब यहाँ पे न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, सो this is a physical change and this one is chemical change. Why? Because new substance is formed. Fe is converted into rust. इसका मतलब, इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं? Rusting of iron is a chemical change. तो chemical change का example लिखना है, तो हम लिखेंगे rusting of iron. उसके बाद third question देखो, identify chemical change. Chemical change identify करना है। Melting of ice हमने देखा था, ice is converted into water, the chemical composition is not changed. It means the substance is same.
बट इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इन टू कर्ड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो इट इज अ केमिकल चेंज. तो ये हो गया हमारा केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ कैंडल, अ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और जहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ कर लेते. अगर हमारे पास में कैंडल है, यहाँ पे मैंने कैंडल निकाली, ये जो कैंडल देखो, इस कैंडल में तो कैंडल इज मेड अप ऑफ द आउटर वैक्स कवरिंग एंड द इनर थ्रेड. ये जो वैक्स है, दैट वैक्स मेल्ड टू फॉर्म वैक्स अगेन. इट मीन्स देर इज अ फिजिकल चेंज. वैक्स इज कन्वर्टेड इनटू वैक्स मीन्स नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो इट इज अ फिजिकल चेंज. बट जब थ्रेड का बर्निंग होगा, यानी जब थ्रेड जलेगा, तब इससे क्या तैयार होना चाहिए, द थ्रेड इज कन्वर्टेड इनटू ऐश. इट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज. इसका मतलब ऐसा है, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ, इट इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज. ये फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है. उसके बाद हमने देखी थी एक्टिविटी. एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 1.1, हमें क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये हमने मैग्नीशियम रिबन ली. ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमें क्लीन करना है विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. यानी हम सैंड पेपर लेंगे और उससे हम इसको क्या करेंगे, क्लीन करेंगे. उसके बाद में हमें क्या करना है, उसको होल्ड करना है विथ पेयर ऑफ टोंग्स. हमें उसको पेयर ऑफ टोंग्स से होल्ड करना है. एंड वॉट एवर द ऐश दैट इज फॉर्म इज कलेक्टेड इन द वॉच ग्लास. यानी ये जो ऐश तैयार हो रही है, ये हमने किस में कलेक्ट की, वॉच ग्लास में कलेक्ट की. अब उसके बाद में हमें क्या नज़र आया, तो हमें ऐसे नज़र आ रहा है कि ये जो, यू मस्ट हैव बीन ऑब्जर्व दैट अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद वाइट डार्जलिंग फ्लेम. हमें क्या नजर आएगा, ये जो मैग्नीशियम रिबन है, इट बर्न्स विथ अ डार्जलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ पाउडर. ये हमें पाउडर दिख रहा है. अब ये पाउडर कौन से कलर का है, तो ये पाउडर है वाइट पाउडर. कैसे कलर का है, वाइट पाउडर. एंड दिस पाउडर इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये किसका पाउडर है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है. इसका मतलब मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड. अगर ऐसा है, इफ मैग्नीशियम इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट मींस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो इट इज अ केमिकल चेंज. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर. हमने क्या किया था, एक मैग्नीशियम रिबन ली थी, उसके बाद में हमने उसको क्लीन किया था विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर. ऐसा हमने क्यों किया, उसके लिए रीजन देखो. ये जो दिस मेटल इज क्वाइट रिएक्टिव, ये रिएक्टिव मेटल होता है और इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर तैयार हो जाती है. मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. टू रिमूव दिस लेयर, इट शुड बी क्लीन बाय सैंड पेपर. सैंड पेपर से हमें उसको क्या करना है, क्लीन करना है बिफोर बर्निंग इन एयर. ये एक सवाल पूछा जा सकता है. उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. हमने देखा था व्हाइट कलर पाउडर इज फॉर्म विच इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट मीन्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड, द कलर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज व्हाइट, वो होता है व्हाइट. इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं.